Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel Sana's Quick Kitchen. I hope you all are doing great. आज हम फिर लौटा एक इजी क्विक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले KFC चिकन जो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और डिलीशियस बनता है। आप सब प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आज जो हम KFC चिकन बनाने वाले हैं वो बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत ही इजी है। आप सब प्लीज़ इसे बनाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा यहाँ पे पहला स्टेप है मैरिनेशन। हमने यहाँ पे 1 kg चिकन लिए है, उसे हमने अच्छी तरह वॉश कर लिए और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिए। सिर्फ बोनलेस चिकन में भी आप बना सकते हैं, बोन वाले चिकन के साथ बनाइएगा, बहुत ही लजीज टेस्ट आता है। चिकन ऐड करके हम ऐड करेंगे दही कर्ड 1 tablespoon, दही ऐड करके हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 2 tablespoon, दही और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के बाद हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। उसमें है पहले जिंजर पाउडर 1 teaspoon, पाउडर का इस्तेमाल ही कीजिएगा टेस्ट के लिए, गार्लिक पाउडर 1/2 teaspoon, वाइट पेपर पाउडर 1/2 teaspoon, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिक्सिंग के लिए ज़रा वक्त लग जाए तो कोई बात नहीं, ये अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। देखिए हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे, फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे। हमारा सेकेंड स्टेप है पेस्ट बनाना। हमें एक थिक पेस्ट बना लेनी है अंडा कॉर्नफ्लावर और मैदा का। उसके लिए हमने एक क्लीन बोल ले ली है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 अंडा और अंडे को अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। अच्छी तरह बीट कीजिएगा, फेंट लीजिएगा। और पेस्ट के लिए याद रखिएगा बड़ा बॉल ले आप, बड़ा बोल यूज कीजिएगा। एग ऐड करके अब हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर 1.5 cup। 1 kg चिकन के लिए ये पेस्ट इनफ है। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1.5 cup मैदा। इन तीनों चीज़ों को हम एक मिक्स दे देंगे, फिर ऐड करेंगे वाटर। वाटर हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे,
क्योंकि हमें थिक पेस्ट बनाना है, पतला पेस्ट, थिन पेस्ट नहीं बनाना है। तो आप सब प्लीज पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा और मिक्स करते जाइएगा। देखिए हमारा पेस्ट रेडी है, हमें यही कंसिस्टेंसी का पेस्ट चाहिए। देखिए पेस्ट रेडी करके अब हम इसे भी साइड में रख लेंगे। One hour later. देखिए एक घंटा हमने इसे रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट करने रख लिया था, अब हम इसे निकाल लेंगे और एक मिक्स देंगे। देखिए ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है, उसे एक मिक्स दे देंगे और साइड में रख लेंगे। ये वो पेस्ट है जो हमने रेडी कर लिया है, उसे भी साइड में रखेंगे। ये है ब्रेड क्रम्स, ये है पैनको ब्रेड क्रम्स, आप यही ब्रेड क्रम्स यूज कीजिएगा। जितना हमें ज़रूरत लगे उस हिसाब से आप ब्रेड क्रम्स ले लीजिएगा। उसमें हमने ऐड किए 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, उसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिए हैं। ध्यान रखिए आप पैनको ब्रेड क्रम्स ही यूज़ कीजिएगा। अब पहला स्टेप है, हम चिकन पीस को थिक पेस्ट में डिप कर लेंगे। हम उसे अच्छी तरह डिप करेंगे। देखिए जैसे हम बता रहे उसी तरह आप सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। कॉर्नफ्लावर, एग और मैदा के बैटर में डिप करके हम उसके बाद ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स में। उसे अच्छी तरह कोट कर लेंगे, रोल कर करके, टर्न कर करके हम कोट करेंगे। अच्छी तरह हमें कोट करना है। देखिए जैसे हम कर रहे वैसे ही कीजिएगा। देखिए हमने रेडी कर लिए, इसी तरह हम सारे पीसेस रेडी कर लेंगे। देखिए ये अभी से ही कितना टेस्टी दिख रहा है, तो सोचिए बनने के बाद कितना टेस्टी लगेगा। सारी पीसेस हम रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम इसे डीप फ्रीजर में 30 मिनट्स रख लेंगे। ध्यान रखिए हमें डीप फ्रीजर में रखना है। देखिए हमने डीप फ्रीजर से निकाल दिए हैं, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई ले ली है, ऑयल ऐड कर लिए और उसे हीट कर लिया है। उसके बाद हम स्लोली स्लोली सारे चिकन के पीसेस ऐड करेंगे, 1 by 1 करके। एक एक डालना है हमें, एक साथ नहीं ऐड करना है। देखिए हमने सारे पीसेस ऐड कर लिए, ऐड करके हम फ्लेम हाई कर लेंगे और 3 minutes कुक करेंगे। 3 minutes कुक करके अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। देखिए KFC चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुके, अब हम इसे किचन टाल पे निकाल देंगे। है ना क्रंची, हमारे KFC चिकन रेडी है खाने के लिए। ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम सर्व कर लेंगे। टेस्टी।
आप इसे मेयोनीज, टमाटो केचप, मस्टर्ड सॉस किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही लजीज लगता है, सही में बहुत ही क्रिस्पी और लजीज बना है। प्लीज़ आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यम्मी क्रंची। इस रेसिपी को आप प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल सनास क्विक किचन। टिल देन शुक्रान, अस्सलाम वालेकुम।